क्या तुम जरा चुप रहोगे? हमें पॉजिटिव रहना है। बॉस, हम कितनी देर से घूम रहे हैं पर हमें एक भी जानवर नहीं मिला। हाँ। तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सुनो बिल्ले। हाँ। वो मैं नहीं था सच में। वाओ, ये तो बहुत बड़ा स्कंक है। बिल्कुल नहीं। है? ये रकून नहीं है, ये एक मंगूज है। बड़े चालाक होते हैं। चालाक? आइए, ये डरपोक नहीं है, हमें दूसरा ढूंढना चाहिए। मैं इसकी चालाकी अपने मॉन्स्टर के लिए इस्तेमाल करूंगा। बहुत अच्छे, मुझे पसंद आया। बॉस, उसने मुझे मारा और मेरे अखरोट खा गए। अच्छा, शायद उसे ये स्पेशल वॉलनट पसंद आएगा। बॉस, मुझे ठीक नहीं लगता। जब आपका काम हो जाएगा तो मैं इसे यहाँ से भगा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। शायद मैं गलत था। ये अखरोट खा लो, बिल्ले को ढूंढने में इसे एक साल लगा था। खा लो। खाने के साथ नहीं खेलते, किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं है। ये शहद बड़ी मुश्किल से पहाड़ों पर मिलता है। तुम इसे 5 सेकंड तक खाओगे तो मैं तुम्हें पूरा मटका साफ करने को दूंगा। कैसा है, खाकर देखो। मैं जो कहता हूँ तुम करते क्यों नहीं हो? खाओ इसे अभी। अब ये कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। वापस आओ इधर, अभी आओ, जल्दी आओ इधर। वापस आ जाओ। कहाँ गया, दिखाओ मुझे कहाँ गया। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आ भी जाओ, तुम मुझसे छिप नहीं सकते। रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा चेहरा नहीं, हटो, हट जाओ। बिल्ले, हटाओ इसे यहाँ से। ओके बॉस। ठीक है, मुझे तुम्हारी चालाकी नहीं चाहिए। ओ, मेरा लैब। बिल्ले, कहाँ है वो? हाय। कोई मेरी मदद करो। बॉस, मैं जरूर बदला लूंगा। अब मेरा चश्मा भी टूट गया, अब मैं कैसे देखूंगा, अब मैं क्या करूं? लखा, क्या कहा, वो बच्चन कहीं खो गया है। और वो जरूर उसे ढूंढने के लिए मुझसे कहेंगे। ये तो बुरा हुआ, वो यहीं कहीं होना चाहिए। लखा, हम कब से ढूंढ रहे हैं पर यहाँ पर कोई मंगूस नहीं है। मैं बहुत थक गया, अब भूख भी लग रही है। समझ नहीं आता आखिर वो कहाँ चला गया होगा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। गरमचंद, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। और ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? ये तो नया फैशन है, इसे स्टाइल कहते हैं, जो तुम्हारे पास नहीं है। अब मेरे पीछे आओ। रुक जाओ। मैंने कहा वहीं पे रुक जाओ। मैंने कर दिया जैसा मैंने सोचा था, ये उससे ज्यादा आसान था। मैं हार मानता हूँ।
यहाँ रुको, वो मंगूस अभी यहाँ आता ही होगा। अब बस मुझे उस मंगूस को यहाँ लेकर आना है। जरा रुको, क्या ये कोई चाल है? चाल? उससे मेरा क्या फायदा होगा? हमें उल्लू मत बनाओ, तुमसे ज्यादा अकलमंद है। बच्चन, बिल्ले, शुक्रिया करमचंद, बच्चन को ढूंढने के लिए। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। लगता है उनमें काफी गहरी दोस्ती हो गई है। कोई बचाओ मुझे, बच्चन गुस्से में लगता है। मुझे लगा ये तुम्हें पसंद करता है। दूर रहो मुझसे, कोई तो मेरी मदद करो। करमचंद चलो भी हिम्मती बनो। लेकिन वो मंगूस बड़ा ही चालाक है। कोई तो मेरी मदद करो। लगता है वो सिर्फ करमचंद पर गुस्सा है। क्या तुम्हें लगता है हम उसे पकड़ पाएंगे? ओए, मेरे पास एक आइडिया है। मंगू सिर्फ गरमचंद को पकड़ना चाहता है, तो तुम लखा गरमचंद जैसे कपड़े पहनकर भागोगे और वो तुम्हारा पीछा करेगा और पीछा करते करते वो थक जाएगा। दा 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 दा। मैं हूँ एक स्मार्ट साइंटिस्ट और मेरे पास बहुत सारे अखरोट हैं। बहुत अच्छे हैं। इतना छोटा होकर इतना तेज भागता है। हेलो मिस्टर बच्चन, यहाँ पर आओ। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मेरे कपड़े खाना चाहोगे? और तुम मुझे मना नहीं कर सकते, मैंने सही कहा ना? आओ मुझे पकड़ो। बॉस, वो लखा का पीछा कर रहा है, अब आपकी बारी। ठीक है। क्या लखा उसे कुछ देर और संभाल सकता है? अगर नहीं तो वो फंस गया है। चिंता की कोई बात नहीं, लखा भी बहुत तेज भागता है। आखिर ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है? बस लखा की असलियत सामने आ गई। अब हम क्या करें? वो यहाँ आ रहा है। मैं हूँ साइंटिस्ट, मुझे पकड़ो। बबलू, प्लान बी। बॉस, मेरे पीछे आइए। डब्लू, उसे पकड़ो। पकड़ लिया। येलो, पकड़ो उसे। ठीक है। काम हो गया। ये बड़ा मुश्किल था। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब तो ये काफी थक चुका है, सोते हुए अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत गुस्से वाला है। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। हमें कुछ करना चाहिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार वो चला गया। तुमने हमें अभी तक नहीं बताया कि वो मंगूस तुम्हारे पीछे क्यों लगा था। क्योंकि बॉस का उसका। चुप रहो। हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं करमचंद। चलो अभी, इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है। क्या तुम मेरे दिमाग पे शक कर रहे हो? बच्चन, ये तो बस एक काली टोपी है। तुमने मुझ पे हमला किया, कौन हो तुम?
तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोशिश बेकार थी। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कहीं भी छिप जाता हूँ वो ईगल मुझे ढूंढ ही लेता है। अच्छा है, मुझे ईगल की तेज नजर भी मिल जाएगी और एक बार वो मिल जाए तो बाकी मॉन्स्टर देख लेगा। बॉस, पाइन भी से खबर मिली है कि ईगल अभी भालुओं के घर गया है। बिल्कुल सही वक्त। भूख भी लगी है और नींद भी नहीं आ रही है, कुछ खाना पड़ेगा। और चाहिए क्या? देखो तो जरा, यहाँ कौन आया है? गोल्डन ईगल किंग, तुम यहाँ कैसे? और उस वक्त से मैंने अपने सारे पंख बचा रखे हैं तुम्हारी बदौलत, तो सोचा मैं मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया, तुम यहाँ 3 महीनों में पहली बार आ रहे हो। तुम्हें यहाँ की सैर करवाता हूँ और शहद कहाँ मिलता है वो भी दिखाऊंगा। कैसे हो दोस्तों, क्या हम फिशिंग करने चले? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? सुनहरा बाज। कैसे हो दोस्त? फिर से नहीं। वाह, कितनी सारी मछलियाँ हैं! सुनहरे बाज, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा, यहाँ की मछलियाँ कमाल की हैं। मछलियों को भगाना मत। ईगल किंग, देखो मैंने क्या पकड़ा है। मैं मेरी फेवरेट डिश डब्लू की बारबेक्यू बनाऊंगा। 5 सेकंड। जरा आकर मुझे हाथ दो। फिर से मौका निकल गया। ये तो सुरक रहा है। शुक्रिया सुनहरे बाज, बहुत बढ़िया, बहुत ही कूल। फिर से कोशिश करता हूँ। क्या तुम्हें और पकड़ने के लिए मदद चाहिए? मेरा कलेक्टर, वापस आओ। अरे बाबा, अब तो हम मछली की पार्टी करेंगे। वो फिश काफी टेस्टी थी, शायद मैं अपने लोगों के लिए भी बनाऊंगा। वहाँ पे केव है, हमें वहाँ जाना चाहिए। ये परछाई वाली गुफा है, लोगों का मानना है कि इसमें जादुई शक्तियाँ हैं। मैं जानता हूँ तुम बहादुर हो, लेकिन अंदर जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, चलो चलते हैं। बहुत मजा आने वाला है, है ना? ए बबलू, क्या हम उन दोनों के वापस आने का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं, हम भी अंदर जा रहे हैं। आप यहाँ पर पानी की हर बूंद की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता वो कहाँ से आती है। लोगों का मानना है कि ये सब जादू है और ये तो बस गुफा की शुरुआत है, हमें तो अभी और अंदर जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। तुम्हें डरना ही चाहिए नन्हे भालू। डबलो, डबलो, मुझे लग रहा है हमारे पीछे कोई है, ये भूतिया गुफा है। तुमने क्या कहा? बेवकूफ मत बनो, ये बस ठंड की वजह से हुई है। क्या? तुम्हारी तुम्हारी टोपी। या पर तो जरूर कोई भूत है। डब्लो, आखिर ये सब चल कर रहा है।
वो क्या था? मुझे डर लग रहा है। काका काका, क्या तुमने वो देखा? भागो यहाँ से! ये बहुत मजेदार है। पब्लू, क्या तुम ठीक हो? जल्दी मेरे पीछे। तुम तो सच में बहुत ही बहादुर हो। सुनो, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक पंख था, वो गायब हो गया। गोल्डन ईगल किंग की नजर अब मेरी हुई। ऐसा लगता है गरम चंद है, तो इतनी देर से वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। गरम चंद कौन है? वो एक साइंटिस्ट है जो हमारी शक्तियाँ छीनता है। गरम चंद, सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम गायब हो सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन देखो, मैं इनविजिबल हूँ। चलो हम रास्ता बंद करते हैं ताकि वो जाने ना पाए। संभाल कर गरमचंद, मुझे कुंग फू भी आता है। गोल्डन ईगल कहाँ है? बबलू, डब्लू, वो यहाँ से बच के ना जाने पाए। एक और बार। मुझे माफ करना, तुम्हें लग गए डब्लू। मैं बबलू हूँ। बाय बाय बेवकूफो। बबलू उठ जाओ। पैरों के निशान, सुनहरे बाल, यहाँ देखो, इसका पीछा करके उसे पकड़ते हैं। बाई तरफ, वहां पर वो वही कहीं होगा। मुझे लगता है वो वहां है। हमला! ये तो पीछे ही पड़ गए। बाएं मुड़ो, सीधा चलो, वो वहां पर है। ये मुझे कैसे देख सकता है? वहां पर मिल गया। चलो जल्दी करो, वो भाग जाएगा। रुक जाओ, तुम हार नहीं मानोगे। वो उस तरफ गया। अरे नहीं, मेरा कलेक्टर। उस पंख को पकड़ते हैं, जल्दी करो। क्या तुमने उसे देखा? कमाल की उड़ान थी, मिल गया। चलो चले वापस। मुझे मिल गया। नहीं रुको, अरे क्या कर रहे हो बच्चा? बहुत ऊपर है, कोई मेरी मदद करो। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे भागना चाहिए। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अब मैं कभी गोल्डन ईगल से पंगा नहीं लूंगा, मुझे नीचे उतारो प्लीज। अरे
कोआला हो? हाँ? बबलू यहाँ आओ, यहाँ एक कोआला आया है, मैंने तो इसे सिर्फ टीवी पे देखा है। हेलो, मैं बबलू हूँ और ये मेरा छोटा भाई डब्लो। हाय, मेरा नाम मीरा है, मैं एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट बनने वाली हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वाओ, तुम तो असली आर्टिस्ट हो। यहाँ कैसे आना हुआ? मैं हर जगह घूमती हूँ, मैं एक वैश्विक कलाकार हूँ और नेचर मुझे पेंट करने के लिए प्रेरणा देता है, तो जंगल में मैं कुछ देर रहना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, जंगल में तुम्हारा स्वागत है। आज कोई काम नहीं है, देखना चाहता कि तुम जंगल हो। वो क्या है, वो जंगल को पेंट कर सकती है, टूरिस्ट को यहाँ लाने का तरीका मिल गया। वैसे कैसे हो? पाइन ट्री माउंटेन में आपका स्वागत है, मैं हूँ लखा। वाओ, हाय, मैं मीरा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। आपका शुक्रिया, और मैं आप सबके लिए भी पेंटिंग बनाऊंगी। बढ़िया। नहीं, प्लीज। कितना खूबसूरत है। ये तो पैसों की तिजोरी है, टूरिस्ट लोगों को ये टी शर्ट बहुत पसंद आई। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं जितने हो सके उतनी पेंटिंग बनाऊंगी, वो बहुत सुंदर होंगे। तो मेरे घर चलकर पेंट कर सकती हो, अगर तुम्हारा मन कहे तो। और भी पेंटिंग्स मुझे देखनी है प्लीज। मैं लखा बोल रहा हूँ, वो आ रहे हैं, मुझे पता है। वो अभी आ रहे हैं। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, इस चमकदार टगले का तो जवाब ही नहीं। वो यहाँ पर है। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मैं बहुत ही दुबला पतला आदमी हूँ। जरा रुको, क्या अभी डायनासोर जिंदा है? मामला कुछ गड़बड़ लगता है। इसे किसने बनाया? शहद, शहद। मुझे भूख लग रही है। शहद? तुम्हें इतना शहद कहाँ से मिला? ये शहद कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? ये शहद नहीं, ये तो पेंट है। क्या पेंट? अजीब है, क्या मीरा ने पेंट किया? पर उसने हमारे घर के अंदर क्यों पेंट किया? चलो बाहर देखते हैं। पूरे जंगल को पेंट किया है। याद है, मीरा ने कहा था कि वो पूरे जंगल को पेंट करेगी। अरे ये नन्हे फूल, अब ये मुरझा जाएंगे। हमें उसे रोकना होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। अब हम जंगल के बीचों बीच में हैं। वो, अरे बाप रे, इतने सारे पेंटिंग्स, क्या मीरा ने ये सब किया? इतनी सारी पेंटिंग्स, क्या ये तुमने मेरे लिए बनाई है? मैंने नहीं किया। आपका मतलब ये सब? हाँ, मैंने किया, ये सब बहुत सुंदर हैं। इसे एक महान आर्टिस्ट ने पेंट किया था। ₹1000 दो तो उसके पास ले चलता हूँ, और एक टी शर्ट, वो भी मुफ्त में। उसकी जरूरत नहीं है, कल यहाँ एक आर्ट फेस्टिवल होने वाला है और वो बिल्कुल फ्री है। चलो चलकर भालू देखते हैं। ये रहा भालुओं का गुफा। यहाँ पर भालू रहते हैं? और क्या, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हो सकता है कि अंदर का मसला देखकर आप चौंक जाएं। वो तो बहुत ज्यादा होगा। क्या यहाँ कोई है? आओ। क्या हुआ? वो, यहाँ तो बहुत सारे भालू रहते हैं। ये क्या, ये तो पेंटिंग है।
मतलब यहाँ पर कोई भालू नहीं रहते। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। रुको, मत जाओ, मैं समझा सकता हूँ। हमारी कोई मदद करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कैसे हो गया? हम पेड़ पर चढ़ रहे थे और एक डाल टूट गई और नीचे गिर गए। हमें बचाओ। शांत हो जाओ, हम उस पेड़ पर चढ़ेंगे और उन्हें ऊपर खींच लेंगे। जल्दी करो, हाथ पकड़ो, ज्यादा वक्त नहीं है। इतनी जल्दी है तो तुम ही यहाँ चले आओ। जल्दी करो, रुको, हम आ रहे हैं। बबलू थोड़ा और नीचे झुकाओ। पकड़ लिया। ये किसने किया होगा? महाराज को इस तरह डराना अच्छा नहीं होगा। वो मीरा है, उसकी पेंटिंग की वजह से एक टूरिस्ट ने कंप्लेन कर दिया। चलो दोस्तों, हमें उसे रोकना होगा। मीरा, पेंटिंग करना बंद करो, तुम्हारे पेंट से जंगल का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरे सारे कलर नेचुरल हैं। जब बारिश होगी तो सारे पेंट निकल जाएंगे। पर ये हमारा घर है, हमें पर्यावरण की कदर करनी चाहिए, इसी की वजह से हम जिंदा हैं। जंगल की हरियाली पर ये तो आर्ट है और असली है। और वैसे भी तुम लोगों ने कहा था कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, पर हमें नहीं लगा था कि तुम सच में ऐसा करोगी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हारी पेंटिंग एक समस्या है, हमने सोचा हम लोग खाई में गिर गए। तुम लोग समझते नहीं, मैं तो सिर्फ जंगल को थोड़ा सा और रंगीन बनाना चाहती थी। रुक जाओ लखा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई नुकसान पहुंचाएगी। उसे बस पेंटिंग करना पसंद है। पर उसने गलत जगहों पर पेंट किया। हाँ, उसे यहाँ पेंटिंग करना बंद करना होगा, उसके लिए कोई अलग जगह देखनी होगी। अलग जगह? मेरे पास एक आइडिया है। मेरा, ये तुम्हारे लिए है। ये मुझे किसने दिया? वाह, ये तो एक इनविटेशन है आने वाले आर्ट फेस्टिवल के लिए। मैं यहाँ जरूर जाऊंगी, उन्हें मेरी पेंटिंग्स बहुत पसंद आएगी। हाँ जरूर, मुझे पता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। अरे वाह, आर्टिस्ट तो हर जगह पेंट कर रहे हैं, उनका जहाँ मन कर रहा है वो वहाँ पेंट कर रहे हैं। अमेजिंग, कमाल का है। ये कौन हो सकता है? बहुत भद्दा लग रहा है। ये सब तो बहुत अच्छा था, अब मेरी बारी। बहुत अच्छा, आप सबका शुक्रिया, मैं खुश हुई। बहुत अच्छे बच्चों, लेकिन इस दीवार पर पेंटिंग करना मुश्किल है। मैं इसे ठीक करती हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे असली फूलों की खुशबू आ रही है। ये मेरी दोस्त मीरा है, ये बहुत कूल है, और मैं टूर गाइड लखा हूँ, अगर किसी को जरूरत है। मीरा, 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 मीरा। मैंने और भी जगह घूमने का फैसला किया है, आप सबका शुक्रिया। पता है, आप तीनों से मुझे बहुत मदद करें। और यहाँ आती रहना, जंगल में हमेशा तुम्हारा स्वागत है। चलती हूँ, बाय बाय। बाय बाय। शाबाश लखा, तुम्हारा प्लान सच में कामयाब हुआ। हमें कुछ तो रखना चाहिए, इससे टूरिस्ट लोग बहुत ही प्रभावित होंगे, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। मैं बस मजाक कर रहा था। चलो यहाँ पर पेंट करते हैं। मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मुझे भी मीरा की तरह बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है। नहीं, 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 नही